الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. आज से हम एक ऐसी किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम किताब है. इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है अल अदबुल मुफरद. उसके हवाले से कुछ दरस व तदरीस के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह. तो ये जो किताब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की, ये इस किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वालिदैन से हुस्न सलूक, इसी तरह अजीज़ व अकारिब से अच्छा बर्ताव, सिला रहमी की ताकीद और क़त ताल्लुकी पर वईद, हमसायों के हकूक़ और मुसलमानों के साथ नरमी और बाहमी मवद्दत व महब्बत को फ़रोग देने के हवाले से इन्होंने मौजूआत कायम किए हैं और अबवाब कायम किए हैं. और ये जो किताब है ये अपने मौजू के एक इंतहाई अहम और मुफीद तरीन किताब मानी जाती है और हर मुसलमान के लिए बुनियादी ज़रूरत की हैसियत रखती है ये किताब. यानी इस किताब में उन चीज़ों को जमा किया गया है जो एक मुसलमान के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो किताब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की, इमाम बुखारी जिसको हम जानते हैं और एक मुसलमान जानता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनकी एक ऐसी किताब है जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह से मशहूर है, सहीहुल बुखारी, यानी किताबुल्लाह के बाद कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब उन्हीं की है जो सही बुखारी के नाम से मशहूर है. तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन हनफ है और ये शहर बुखारा के रहने वाले थे. इनकी पैदाइश 194 हिजरी में और वफात 256 हिजरी में हुई है. तो ये उन्हीं की किताब है अल अदबुल मुफरद. हम इसी के हवाले से बाब के सिलसिले में हम रोज़ाना गुफ्तगू करेंगे. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इमाम बुखारी की जो ये किताब है अल अदबुल मुफरद, पहला बाब. पहला बाब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कायम किया है वो है बाब क़ौलुहु तआला ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैही हुस्ना. बाब लाने का मतलब ये होता है कि किसी टॉपिक या किसी मौजू किसी उनवान के तहत उसमें गुफ्तगू हो या गुफ्तगू की जाए. कहीं किताब लिखा होता है, यानी किताब, किताब का मतलब होता है कि इसमें मुख्तलिफ टॉपिक पर या मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की बातें होती है, उसको किताब कहा जाता है. लेकिन बाब का मतलब होता है कि किसी एक मौजू के हवाले से उसमें गुफ्तगू की जाए. तो ये जो बाब है जो इमाम बुखारी ने सबसे पहले कायम किया है, वस्सैना अल-इंसान बिवालिदैही हुस्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इंसानों को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है. हम इस हदीस के जो सनद है वो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हदीस पढ़ेंगे, रावी से लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल है वो सब हम पढ़ेंगे और उसके तर्जमे हम जानेंगे. तो इसमें अब्दुल्ला बयान करें, अब्दुल्ला से मुरादी हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है, वो बयान कर रहे हैं. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم, قال का फ़ाइल यहाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, साला ये फ़ेल है और ता ज़मीर मुतकल्लिम का है, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरफ वो करें कि मैंने पूछा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ वजल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे बेहतर अमल कौन सा है. काल, यहाँ काला का फ़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जवाब दे रहे हैं, लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अला वक्तिहा, कि वक्त पर नमाज को अदा करना ये सबसे अफजल अमल है. कुल तो सुम्माई, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कि फिर मैंने पूछा कि उसके बाद नमाज के बाद और कौन सा अमल सबसे अफजल है. काल सुम्मा बिरुल वालिदैन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना या नेकी करना. कुल तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कह रहे हैं कि फिर मैंने पूछा कि अय्यु अमल सुम्माई, यानी उसके बाद कौन सा अमल है. काल सुम्मा अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना. काल हद्दसनी बिहिन्ना, कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील मुझे बतलाई. उसके बाद वो कह रहे हैं कि वलव इस्तज़त्तुहु लज़ादनी, कि अगर मैं इससे ज़्यादा भी सवाल करता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते जाते.
ये जो हदीस है ये बहुत ही अहम है, ये रिवायत ये बहुत ही अहम है। और ये हदीस जिसके हवाले से ये मशहूर है, जैसे इसमें तो आप पहला अमल बताया गया है नमाज, उसके बाद माँ बाप के साथ नेकी, उसके बाद कहीं जिहाद, ये बतलाया गया है तरतीब के हिसाब से। दूसरी दीगर हदीसों में भी इसके हवाले से आता है कि अव्वल नंबर पे कहीं आपने माँ बाप के साथ नेकी करने को ज़िक्र किया है, तो किसी हदीस में ये भी मिलता है कि आपने अव्वल नंबर पर जिहाद को ज़िक्र किया है, तो किसी में कुछ और मिलता है। ये सब मुख्तलिफ हदीसों में मुख्तलिफ अल्फाज को पहले मुकद्दम किया गया है। इसके जो असबाब बताए जाते हैं वो कई एक हैं, उनमें से जो मशहूर है वो ये है, जैसे आप इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले नमाज है, अव्वल नंबर पे नमाज को ज़िक्र किया, दूसरे नंबर पे माँ बाप के साथ नेकी करना, तीसरे नंबर पे जिहाद को ज़िक्र किया है। जबकि बाज़ रिवायत में ये है कि पहले जिहाद को लाया है या किसी में किसी और को लाया है। तो इस सब की तौजीहात के हवाले से मुहद्दिसीन ये बतलाते हैं कि इससे पहले मिन महजूफ़ है, महजूफ़ का मतलब है कि हज़फ है, जिससे ये मुराद लिया जाता है कि गोया ये सब अफजल आमाल में से हैं, ये सब अफजल आमाल में से, यानी माँ बाप के साथ नेकी करना, वक्त पे नमाज पढ़ना, जिहाद करना, ये सब अफजल आमाल में से हैं। जैसे कहीं आया है कि आपने फरमाया कि सबसे अफजल अमल है अल्लाह के रास्ते में जिहाद, ये ज़कात देना सबसे अफजल अमल है ज़कात देना, तो एक तो ये है कि इससे पहले मिन महजूफ हज़फ माना जाता है कि ये सब अफजल आमाल में से हैं ये सब। दूसरी जो तौजीह है वो ये है कि इसका ताल्लुक सवाल करने वाले से है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वाले को देखा कि वो किस मुनासबत से सवाल कर रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है पहले, तो उस हिसाब से आपने जवाब दिया। अगर आपने देखा कि मुआशरे में माले माँ बाप के साथ बद सलूक की जा रही है या उनके कदर मंजिलत को अहमियत नहीं दी जा रही है, तो आपने वहाँ बताया कि माँ बाप के साथ नेकी करना है सबसे अफजल अमल है, या कहीं जिहाद का मामला है जिसमें लोग पीछे हट रहे हैं तो आपने वहाँ बयान फरमाया कि सबसे अफजल अमल जिहाद है, यानी वक्त के हिसाब से साइल के सामने रखते हुए उसके तकाजे को ख्याल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के हवाले से उस चीज़ को बताया कि ये चीज़ अफजल है और ये सब अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, सब दुरुस्त हैं। तो मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं या हदीस के अंदर भी ये चीज़ है। दूसरी जो हदीस है इसके अंदर वो ये है जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बयान फरमाते अन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल रज़ा रब्ब फ़ी रज़ल वालिद व सख़्त रब्ब फ़ी सख़्तिल वालिद। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी वो बयान कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रज़ा रब्ब फ़ी रज़ल वालिद, वालिद की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है, व सख़्तुल रब्ब फ़ी सख़्तिल वालिद, और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। ये हदीस यहाँ बाप की अहमियत और बाप की मंजिलत को वाज़े कर रही है, जबकि माँ का जो मकाम है बाप से कहीं ज़्यादा है, और इस हवाले से हदीस अपनी जगह बिल्कुल वाज़े हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और बोले कि सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न का हकदार कौन है, या मैं किसके साथ सबसे पहले नेकी करूँ सबसे ज़्यादा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के साथ, यानी माँ तुम्हारी सबसे ज़्यादा हकदार है। उसने फिर पूछा, फिर आपने जवाब दिया कि तुम्हारी माँ, तीसरी मर्तबा भी उसने सवाल किया, आपने फरमाया कि उम्मुक तुम्हारी माँ, चौथी मर्तबा में आपने फरमाया सुम्मा अबुक कि अब तुम्हारा बाप, यानी चौथी मर्तबा, गोया कि माँ से बाप का दर्जा कम है। लेकिन यहाँ अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु अन्हुमा के कौल से जो ज़ाहिर होता है कि बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, यहाँ बाप की अहमियत को उजागर किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को सही दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।